हेलो एवरीवन। सो यहाँ पे टाइम हो रही है 4 o'clock और अभी हम लोग गाड़ी में बैठ रहे हैं ऑन द वे बिहार के लिए। सो ब्लॉग है आज शेयर करेंगे। सो गाइस हम लोग निकल चुके हैं बिहार के लिए ऑन द वे, अभी टाइम हो गया। सो गाइस जैसा कि देख सकते हैं हम लोग बस मथुरा क्रॉस कर रहे हैं और बिल्कुल अंधेरा था जब हम लोग निकले थे, अब धीरे धीरे साफ हो रहा है क्योंकि यमुना एक्सप्रेस वे हाईवे पकड़ ली और यहाँ शुरू हो जाएगा। देख सकते हैं कितना प्यारा सा मॉर्निंग व्यू है। शॉप को इंजॉय करिए। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा ये ब्लॉग दिल्ली टू बिहार। सो गाइस वेरी वेरी गुड मॉर्निंग और जैसा कि देख सकते हैं हाईवे पर गाड़ी चल रही है 120 की स्पीड में। यहाँ पे आप लोग से बात करने के बाद भी आवाज़ बिल्कुल नहीं जा रही थी, तो ये देख सकते हैं हम कुछ बोल रहे हैं आप लोगों से बात करें बट बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही थी, इसलिए हमें वॉइस ओवर करना पड़ा। और ये सारा सामान दिखा रहे हैं कि इतने सारे सामान के साथ शादी में जाना था, तो सामान बहुत ही ज़्यादा हो गया, तो आगे की सीट पूरा बिल्कुल फुल है, डिक्की फुल है। तो इस तरह से अभी हम लोग 5 बजे 4:30 के बीच में निकले थे और अभी देख सकते हैं यहाँ पर सूर्योदय हो रहा है। सो हम मतलब इंजॉय करते हुए रोशनी जो होता है ना मॉर्निंग का सन लेना, वही कह सकते हैं। सो गाइस यहाँ पे हम और मेरे हस्बैंड और शिवेन हैं, अभी जस्ट हम लोग आगरा वाले हाईवे पकड़े हैं और बस आप लोग से बात कर क्या हुआ, चाय वगैरह बस पिए और बस फ्रेश हुए हैं और पूजा पाठ की और निकल दिए क्योंकि लॉन्ग ड्राइव था। तब जितना ही जल्दी मॉर्निंग में निकलते उतने जल्दी घर पहुँचते हो क्योंकि 13-14 घंटा का ट्रैवलिंग हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग बहुत सुबह कोशिश करते हैं कि निकले ताकि टाइम पे घर पहुँच जाएँ। और मेरे को तो हैबिचुअल हो गया इतना लॉन्ग ड्राइव करने का, मतलब सबकी बस की बात नहीं है, थैंक गॉड कि यहाँ पे मेरे को वोमिटिंग वगैरह भी नहीं होता है और आराम से हम घर। हमको क्या है गाइस क्योंकि लॉन्ग ड्राइव को हम बहुत इंजॉय करते हैं, अच्छा लगता है, तो यहाँ पर हम लोग बस मस्ती कर रहे हैं और आप लोग से बात कर रहे हैं गाड़ी में, बस गाना चला के बस ऑन द वे रहेंगे। तो आप लोग के साथ ब्लॉग बने रहिए, जो भी अच्छा मोमेंट होगा लॉन्ग ड्राइव लॉन्ग ट्रेवल का वो शेयर करेंगे। यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि मेरा मेकअप प्रोडक्ट बिल्कुल फुल है, कुछ भी छूट जाए लेकिन मेकअप का सामान ना छूटे। ऑब्वियसली शादी में जा रहे हैं तो शादी की सारी बहुत सारे मतलब सामान हो जाते हैं। एंड तो गाइस अभी हम लोग ऑन द वे हैं, बस चाय वाय पीने के रुके हैं फ्रेश होने के लिए। तो गाइस अभी 7:30 बजे बज रहा और अब तो ये कुछ ढाबा है यहाँ पे जो कि आपको आगरा क्रॉस करते हुए मथुरा क्रॉस करते हुए मिलेगा। ये देख सकते हैं अभी थोड़ा धूप निकला है, हम लोग सुबह सुबह जब निकले थे बिल्कुल अंधेरा था, अब जाके मौसम सही हुआ। तो गाइस आप लोग मेरा ट्रैवलिंग का ब्लॉग पसंद करते हैं इसलिए मैं थोड़ा बहुत शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। और आप देख सकते हैं यहाँ पर गार्डन है, गार्डन देख सकते हैं, ये गार्डन कितना प्यारा सा गार्डन है। ये गार्डन और यहाँ पे बस गाड़ी तेज से चल रही है। सो और बताइए आप लोग कैसे हैं। अब तो मेरा लंबा सफ़र अभी होने वाला है, कम से कम अभी 2 घंटा हुआ है, 5 बजे निकले थे 7:30 घंटा हुआ है, अभी मुश्किल अभी 10 घंटा ट्रैवलिंग करना है। तो हम लोग थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट रख लिए हैं, मतलब जैसे चूड़ा वगैरह नमकीन वगैरह भून कर। धूप से बिल्कुल मेरा फेस काला लग रहा है, मैं नॉर्मल लोअर में बस निकल चुके हैं क्योंकि गाड़ी में ज़्यादा लंबा ट्रैवलिंग करना था इसलिए ड्रेस कम्फर्टेबल वाली रखी है। एंड उसके बाद यहाँ पर चाय पीएंगे फिर देखते हैं खाना कहाँ खाना है, लंच करना है। चलिए चाय के लिए ऑर्डर हुआ, चाय के लिए ऑर्डर हुआ। हाँ मेरा सर पकड़ा हुआ होता है ना, ये सुबह में रात में भी अच्छे से नहीं सो पाए थे क्योंकि सुबह में कभी भी कहीं जाना रहता तो नींद नहीं आ जाती, नींद नहीं पड़ता हर बार में, मतलब ऐसा सोचता है सोचते रहता है। तो वही यार 4 बजे सुबह में निकल गए थे तो बड़ा फिर तेज से शरबत कर दी मेरे, तो चलते हैं गाइस फटाफट चाय पी लेता हूँ। बस यहाँ पे हम लोग अब पकौड़ा चाय का वेट कर रहे हैं।
पालक प्याज और आलू थोड़ा थोड़ा सब में से दे दी। मेरा आ गया चाय पकौड़ा, इसमें क्या छीट के दिया है, चाय और पकौड़ा आ चुके हैं। कैसा जुगाड़ करके सोए हो, चालू में कैसा सोए, बैग का पिल्लो तक क्या बनाया। आ सोना, हम लोग कितने बजे तक पहुँचेंगे? 9 बज गया अभी, बैठे बैठे क्या करूँ, करना है कुछ करो। तो गाइस फाइनली हम लोग 4-5 घंटे ट्रैवलिंग करने के बाद लखनऊ पहुंच गए हैं, और ये लॉन्ग ड्राइव का ना पल बता नहीं सकते, अच्छा भी लगता है और बोर भी होता है इतना लंबा ट्रैवलिंग, बट हम लोग तो एंजॉय कर रहे हैं। वो रेड वाला, रेड नहीं इसके बाद वाला, उसके बाद थर्ड सेकंड वाला, हाँ दो ले लीजिए, पल्स चॉकलेट और चॉकलेट पल्स वाला, पल्स चॉकलेट कितना सा कम दिया है, हाँ ये वाला टाइम पास हो गया आप लोग का, 5 से मेरा चॉकलेट है बस, हो गया हो गया बस बस हो गया, हाँ 10 दे दे। सो गाइस यहाँ पे बस हम लोग का रास्ता में कहीं कहीं रुक के नमकीन वगैरह चॉकलेट वगैरह काम चल रहा है, टाइम पास हो रहा है, सो टॉफ़ी वगैरह मुंह में फरा रहता है तो टाइम ट्रैवलिंग में उतना नहीं पता चलता है। टोल फ्री है, टोल फ्री है, लेकिन हम लोग को रास्ते में दो टोल मिला ना, वो तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस में का था, ये हम अभी चल रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस में। तो गाइस यहाँ पे हम लोग बक्सर में एंटर कर गए हैं, जैसा कि ये कोइलवर या बक्सर वाली पुल है आई थिंक, मेरे को पता नहीं, लेकिन ये बक्सर में एंटर कर गए हैं। Gracias.
आपको खाना है कमेंट करते हैं। घर पहुंच चुके हैं 14 के बाद। माता जी वेट कर रही हैं, भाई वेट कर रहे हैं, माता जी दिख नहीं रहे हैं। मम्मी नाश्ता दे खिलाने में इतना मम्मी नाश्ता निकाल रही है। सब पूरा माहौल बना हुआ है स्वागत का, खुशी का माहौल चल रहा है। अविनाश भाई रख दे उधर, अविनाश भाई के दिक्कत आपका नाश्ता निकल गया उधर। क्या अभी कौन आ रहा है आपका? थक गया। चाहिए आपको। अब तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे माहौल कैसा है। आप कैसे कैसे हम लोग मिल गए इस बार, वही बहुत है। हम लोग एक साल बाद मिले हैं और हम इनसे मिले गांव में मिले थे। उसके बाद एक साल बाद हम लोग वापस ही हम लोग मिल रहे हैं। जो मिल के बहुत ज्यादा खुशी फील हो रही है। पता नहीं कब मिलेंगे, मिल जाएंगे जल्दी। ज्योति के शादी में, ज्योति के शादी में। इसका शादी का ब्लॉगिंग करना बाकी है। अच्छा तो बोल अविनाश, इधर आ तुम जल्दी से। हमारे साथ है, पंजी पटना आ गई है 4-5 महीने बाद। और यहाँ पर वेडिंग सीजन है इनका घर पे, मिलिए मेरे भाई से। एंजॉय होने वाला है और कंटिन्यू रही हमारे ब्लॉग प्रीति रानी ब्लॉग के साथ। बुक लाना है कल, लेकर आ जाना बीएड वाला। ठीक है। और यहाँ ये तो पटना में तो बहुत सारा अभी जो जो सारा काम जो मेरा बाकी रहता है इसे करवाते और कुछ और इंटरेस्टिंग ब्लॉग भी आप लोगों के साथ मिलेगा देखने को हमारे प्रीति ब्लॉग पे। और हमारे सिस्टर के ब्लॉग को बहुत ज़्यादा शेयर करिए और प्यार दीजिए और लाइक करिए। थैंक यू। सो गाइस जो भी काम बचा हुआ रहता है पटना में तो आने के बाद इसी से करवाते हैं। तो फिलहाल अब जा रहे हैं थोड़ा रेस्ट करने, चाय वाय पीते हैं, जूस का मेरा जीजा जी की सेवा में खाली लगी रहती है। ये गाइस मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। फाइनली मेरा जर्नी कंप्लीट हुआ दिल्ली टू पटना का। एंड अब हम मम्मी लोग से बात करेंगे, फूल वालों से बात करेंगे, खाना पीना खाएंगे, रेस्ट करेंगे, क्योंकि अब हिम्मत नहीं कर रहा अब ब्लॉगिंग कंटिन्यू करने का। तो आप लोग बताइएगा कैसा लगा मेरा ब्लॉगिंग एंड कमेंट करके, और क्या देखना चाहते हैं। सो एक दिन हो सके तो कल पटना यहाँ पे हैं, तो आप लोग ब्लॉगिंग अगर यहाँ का माइक का देखना चाहते हो तो आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा ब्लॉगिंग देखना चाहते हैं। तो हम फटाफट वीडियो क्रिएट करेंगे, तो बने रहिए चैनल में। तब तक अपना ख्याल रखें, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो एक बार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय करो, बाय कर पूरा।